तो रिहान जी आप कहाँ से हैं? जी सर मैं महाराष्ट्र अमरावती से। ओके, आप कैसे पहुंचे यहाँ हैदराबाद तक? सर मैं पहले वीडियो देखा सर। ओके सर, का वीडियो देखा बाद में आपको कॉल किया। ओके, फिर आपसे सर आपने पूछा आपको एंड्रॉइड करो सर। मैंने ये पूछा आपको कौन से इंस्टीट्यूट करना है सर, आपने मुझे ये पूछा क्या आप एंड्रॉइड करना चाहते हैं या आईफोन करना चाहते हैं आप। मैं फिर जब बोला दोनों करना, तो सर ने मुझे ये बोला है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक एक ही करना पड़ेगा। देखो मैं आपको यही काट रहा हूँ, देखो इन्होंने ये बिल्कुल वो बात बोली है जो कि मैं हर किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ। हम लालच होता है हमारे मन में, मैं ऐसे नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं आईफोन की वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर टीचर ये भी बताते हैं कि हम एंड्रॉइड फ्री देते हैं, मगर वो एक लालच होता है। आप उस लालच में अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मेरा काम होता है आपको सब कुछ दिखाना। मैं कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हिडन करके चलूंगा, मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको। पर्सनली अगर आप मेरी राय लेना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता कि एक साथ हम दोनों नाव के अंदर कैसे सवार हो सकते हैं। एंड्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, आईफोन जो होता है बिल्कुल अलग होता है। ये उनके लिए मास्टरी होती है जो कि पहले से 10-10 साल पहले से काम कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा क्या रह गया, सिर्फ डुअल डेकर वगैरह या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम या सीपीयू डन नहीं हो रहा। सपोज वो 10 सीपीयू करते हैं, उसमें से 8 सीपीयू उनके फेल हो जाते हैं, 2 राइट हो जाते हैं। तो अगर वो पहले से काम कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं, बाकी कोई भी मेरा भाई है जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉसिबल होता है ये चीज करना। अब जैसे सर ने एंड्रॉइड किया है, यहाँ पर एंड्रॉइड करने के बाद अगर ये 1 साल अपनी शॉप पे जाके एंड्रॉइड को अच्छे से कर सकते हैं तो इनके लिए आईफोन करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आईफोन की 10 दिन में ये मास्टर बन जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज के लिए भी। तो सर ये बताइए सर आप क्या नहीं कर पा रहे थे जो आपने एंड्रॉइड फाइंडिंग में? सर मुझे बहुत तकलीफ थी, तो यहाँ पर वो चीज क्लियर हो गया सर मेरा। मुझे मालूम नहीं था कौन सी लाइन किधर जाती है, PMI की लाइन किस जगह जाती है, कहाँ जाती है, प्रॉब्लम था सर। ओके, सब चीज में फॉल बाइंडिंग डायग्राम पूरा रीड कर अभी सर बोल रही हूँ कौन सी चिड़िया है मेरे को नहीं मालूम था। ओके अभी सर पता चल गया, बहुत अच्छी मैं रीड कर लेता हूँ अच्छी तरीके से डायग्राम। सर ने बहुत अच्छे से समझाया है, फिरोज सर, सागर सर, कौफिक सर और सगीर सर ने। सर मैं इनके नेचर को और इनके टैलेंट को सर सैल्यूट करता हूँ। और बताइए ये कि आपके मन में देखो आप क्या, देखो मैं भी हूँ, अगर मैं भी किसी को अगर कहीं पे 5,000 रुपए दूंगा तो मेरे मन में भी डाउट रहेगा यार मेरे पैसे खराब तो नहीं चले जाएंगे। आप वहाँ महाराष्ट्र से हैं, आपने मुझे भी कॉल किया, आपने वीडियो भी देखी, उसके बाद अब आपको क्या कॉन्फिडेंस लगता है कि आपका पैसा वसूल है या नहीं है? डबल वसूल हो जाएगा जाने के बाद, जाने के बाद डबल हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बैकअप सपोर्ट वगैरह के लिए तो बैकअप लाइफ टाइम सपोर्ट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर ने कभी बोला है। और हमारे को अगर कुछ समझ में नहीं आता है जी तो सर को 12 बजे रात को भी बुलाओ, सर आ जाते हैं। सगीर सर हमारे ऊपर ही रहते हैं सर, हमारे साथ कॉफी सर भी अभी आए मतलब। और सर यहाँ से जाने के बाद आपकी क्या क्लास लगती है हॉस्टल? हाँ सर हमारे को कुछ नहीं समझ में आता है तो सर खुद हम जाकर बोलते हैं, पहले सर ये समझ नहीं आया सर बोलते, कभी ऐसा नहीं बोलते थक गया आज दिन भर से था, कभी ऐसा नहीं बोला सर ने। सर बोला बिल्कुल आया 10 मिनट में, 5 मिनट में सर फौरन आ जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आपके लिए जोरदार तालियां होगी। आप सारा दिन यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद स्टूडेंट को अगर छोटा सा भी कोई डाउट है और आप फिर उन्हें रात को जाकर उन्हें गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से वो फोन मतलब निकल सकता है, तो इसके लिए तो सैल्यूट है सर आपको। ऐसा है कि हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं जी, हमारा उद्देश्य ये है कि वो किसी भी तरह से यहाँ से सीख के जाए और इस लाइन में कामयाब हो जाए। उसके लिए दिन और रात ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है, बस ये है कि ये लोग किसी तरह से जाके अपने फील्ड में कामयाब हो जाए। बहुत अच्छी बात है। ये बताओ पूरे इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, क्या अलग लगा यहाँ पे? सर यहाँ बहुत अच्छा लगा हमारे को, सब चीज अच्छी लगी, नेचर सबसे मेन चीज। सर कितने भी बार पूछो आप, एक बार नहीं 10 बार पूछो एक ही बात, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी सर, बताएंगे 10 बार। सबसे अच्छी चीज तो सर ये लगी मेरे को, नहीं तो कैसा चिढ़ जाते हैं सर यहाँ पे, जितने घंटा बोले उतना घंटा करा रहे काम आपसे, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि लाइटें बंद करो चलो जाओ टाइम हो गया, ऐसा तो नहीं। नहीं सर ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई चीज टूल्स वगैरह देने में कमी तो नहीं, कोई कमी नहीं सर। कितने भी बार मांगो टूट गया दूसरा ले लो, मैं खुद पहली बार आया PPT लगाने के चक्कर में टूट गया। सीखने के टाइम पे देखो ये सब तो होता ही है, चीजें खराब भी होती है, सब ये होती है, तो उसका तो कुछ है नहीं। बाकी तो सोच के मिला आपको? हाँ सर, उससे बहुत ज्यादा मिला सर, अभी जाके काम कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे सर अभी। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशन।